अस्सलाम वालेकुम। आरिफ अबी लिमिटेड ने रिसेंटली पाकिस्तान स्ट्रेटजी 2025 रिलीज की है, जिसमें से मैं आपसे फर्टिलाइजर सेक्टर के कुछ की नोट्स डिस्कस करूंगा। हम 2025 में फर्टिलाइजर सेक्टर की अर्निंग्स में 11% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस सेक्टर में ग्रोथ की वजह मेनली इम्प्रूवमेंट इन फर्टिलाइजर सेल्स है। CY25 में हम यूरिया और डैप में 8% और 6% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। Furthermore, any hike in gas price will be passed on by the fertilizer manufacturers by increasing urea prices. इसके अलावा तमाम fertilizer companies की urea prices में disparity बहुत हद तक कम हो गई है। इस sector में हमारा topic FFC है। कुछ महीने पहले FFC और FFBL ने merger announce किया था। Currently, FFC का FFBL में 49.9% stake है। Both companies have agreed to a swap ratio of 1:4.29. Which means one FFC share for every 4.29 shares of FFBL. ये merger December 2024 में complete होने के इम्कानात हैं। Furthermore, FFC Agritech acquire करने का इरादा रखता है। Currently, FFC के पास Agritech में 28.86% stake है। Company 35.57% stake हासिल करने के लिए public offer दे चुकी है at a revised rate of 39.05 rupees per share. इसके अलावा FFC को फीड ऑफ फ्यूल गैस पुराने रेट्स पे मिल रही है, जबकि SNGP और SSGC के कंज्यूमर्स को यही गैस महंगे रेट्स पे मिल रही है। We estimate that for each 1 month delay in Mari gas price revision will boost earnings by 2.26 rupees per share. Lastly, हम CY25 और 26 की combined entity की earnings 59.3 rupees per share और 60.9 रुपी पर शेयर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमारी दिसंबर 25 की टारगेट प्राइस है 361 रुपीस पर शेयर। दैट्स ऑल फ्रॉम द फर्टिलाइजर सेक्टर। थैंक यू वेरी मच।